She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग पर दोनों का यही अनोखा स्वाद, कमला पसंद अनोखा स्वाद। इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राग है तो कहीं धुआं धुआं, क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता, हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट बीड़ी, दिखे जलती जहां, पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना, धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का, और आप सभी ने इंट्रो देखकर के वीडियो का समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम किसी तरह के मादक द्रव्य पदार्थ का प्रचार नहीं कर रहे हैं और पीने के लिए नहीं बता रहे हैं, तो इन सब से जितना दूरी रही है वही बढ़िया है। तो अभी ये देखिए मेरे पास एक सिगरेट का ये डब्बा है और इससे मैं आपको पूरा दिखाऊँगा कि इसके अंदर क्या होता है सिगरेट के अंदर, और एक बीड़ी भी है जो मैं आप सभी को दिखाता हूँ, तो बीड़ी को भी मैं दिखाऊँगा कि बीड़ी के अंदर क्या होता है। ये देख रहे होंगे तो ये बीड़ी है और पूरा मैं इसको बताऊंगा भी कि कैसे बनता है, पूरा खोल के भी दिखाऊंगा। और आइए सबसे पहले इसको मैं सबसे पहले ओपन ही करता हूँ बीड़ी को और दिखाता हूँ आप सभी को, तो वीडियो में बने रहिए। और तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों कैसे बनाया जाता है बीड़ी, और ये दादी जी हैं ये कर रही हैं, और इसको पूरा ही ग्रुप में औरतें बैठ करके बनाती हैं और काफ़ी आसानी से बना दिया जाता है, पर यह हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। और हमारा चैनल किसी भी तरह के ऐसे प्रोडक्ट का ऐसा नहीं करता है, तो आप लोग इसे बुरा नहीं मानिएगा, मैं केवल दिखा रहा था कि कैसे बनता है ये। और ये इसका बंडल है जो कि हमें पैकेट में पैक करके मिलता है, तो ये बीड़ी कैसे बनता है मैंने आप सभी को दिखा दी, आप देख लीजिए। और आइए अब हम लोग देखते हैं कि सिगरेट कैसे बनता है, उसमें भी प्रोसेस यही रहता है, बस उसका जो ऊपर का मटेरियल होता है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो कैप है ये पूरा पकड़ने के ऊपर का जो कवर है इसका वो अलग होता है, और इसमें जो मटेरियल भरा जाता है इसमें निकोटीन का जो मात्रा होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा नशा करता है। और बात करें नुकसान की तो दोनों ही बहुत नुकसान करते हैं हमारे शरीर को, तो मैं तो कहूँगा कि इसे आप ना ही पीजिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और हम लोग इसका प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं केवल दिखा रहा था कि कैसे बनता है, और सिगरेट इसी मशीन में बनता है जो दिखा। तो आपने स्टार्टिंग में देखा ही होगा कि अमिताभ बच्चन जो कि सदी के महानायक कहे जाते हैं, उनका फोटो लगा हुआ था गुटखा के प्रचार पे, क्या संदेश दे रहे हैं लोग, ये देखिए अब आप आगे खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान मेरी माटी। तो अभी आपने देखा कि अजय देवगन जो थे वो बोल रहे थे कि बोलो जुबा केसरी, जुबा केसरी करने के लिए बोल रहे हैं। अजय देवगन की शादी हुई है, उनकी एक लड़की भी है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ ये, और मैं उनसे एक छोटा सा ही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कभी वो अपने लड़के या लड़की को कभी ये गुटखा खिलाएंगे कि गुटखों के प्रचार के लिए इतना पैसा कितना प्यारा हो गया उनको, जबकि सारे लोग जानते हैं जो भी पैसा रुपया जो भी है इतना वो मूवी से कमाते हैं। अभी उन्होंने एक मूवी बनाया हुआ था बढ़िया बढ़िया भुज मूवी, जिसमें दिखाते हैं कि भारत के सैनिक कितने वीर हैं, और फिर वही भारत के ही लड़कों को गुटखा खाना भी सिखाते हैं, तो लड़के ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसके तरफ होंगे। आप भी जानते हैं कि अगर गलत चीज़ कोई एक बार बोले तो लड़के तुरंत उसको कैच कर लेते हैं, ये विमल खिलाते हैं और भुज मूवी देखने को बोलते हैं, सिंघम अपने बनते हैं और विमल खिला देते हैं, तो बताइए भारत के लड़के जाएंगे कहाँ। बुराई का रास्ता अक्सर छोटे नौजवान जो है, जो अभी इनकी उम्र है अभी बहुत जल्दी, मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे लड़के बहुत लड़के हैं जैसे पकड़ ले रहे हैं सिगरेट पीना गुटखा खाना, ये सब एकदम आम बात हो गया, वो कैसे रहा है ये। अभी आप अजय देवगन को देखें तब शाहरुख खान को देखिए, दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओ, विमल बोलो जुबान केसरी। तो अभी आपने देखा कि शाहरुख खान प्रचार कर रहे हैं विमल का, इन सालों के पास यही रह गया है कि गुटखा का प्रचार करो और देश के नौजवानों को भटकाओ,
अभी आप रोनाल्डो को जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ कि रोनाल्डो एक फुटबॉलर है और जो कि बहुत ही बड़े लेवल पर है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और वो उन्होंने पेप्सी का बोतल था उसको मना कर दिया, कोको कोला का शायद, कि मैं इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता क्योंकि इससे शायद कैंसर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा है। और वहीं पर विराट कोहली को देखिए, विराट कोहली कितने अधिक फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पर, 150 मिलियन के करीब फॉलोअर हैं। और वो क्या बोलते हैं, रजनीगंधा, जो रजनीगंधा खाएगा वो बढ़िया खेलेगा। अरे सालो चूती हो, कुछ तो शर्म करो, लाज नहीं लगता है तुम लोगों को, क्या बताऊँ मैं। अभी आगे आगे और बोला ये गया है कि भारत में जब तक सिनेमा रहेगा तब तक लोग चूतिया बनते रहेंगे। ये सुन लीजिए लाइन, आप सुनिए खुद। भारत में जब तक सिनेमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। अभी एक संजू मूवी रिलीज हुई थी जिसमें कि संजय दत्त का रोल प्ले कर रहे थे रणबीर कपूर, और उस मूवी में पूरा ऐसे क्लियर दिखा दिया गया कि इसमें जो संजय दत्त हैं वो एकदम साफ सुथरे दिल के थे, उन्होंने कोई कट्टा नहीं रखा था, वो एकदम अच्छे हैं, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था। सर इसमें से फालतू दिखा दिए लोग, इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। मेरे को ये बात ही समझ में नहीं आ रहा है कैसे ये पॉसिबल ही है, चूतिया बना रहे हैं पूरा मिल के देश को। और मैं एक और बात बता दूँ, उनका ये संजू मूवी रिलीज हुआ क्योंकि बहुत बड़ी तैयारी चल रही है मुन्ना भाई MBBS 3 बनाने का, या 2 जो भी पार्ट होगा, उसके लिए इन्होंने सोचा कि पहले उनका इमेज क्लियर कर लिया जाए क्योंकि वो तो 5 साल या 8 जेल में रख गया थे महाराष्ट्र के, तो उनका इमेज क्लियर करने के लिए ये सब काम हुआ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर मूवी देखना है तो साउथ का मूवी देख सकते हैं, इसमें साले दिखा क्या रहे हैं सब, नग्नता का सीन और छोटे छोटे लड़कों को भटका रहे हैं सब। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन सबसे दूर रहिए। और आप देखिए मैं इसको खोल करके दिखा रहा हूँ कैसे इसमें क्या होता है, तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो यही था आज का वीडियो दोस्तों, जो कि मैंने आप सभी को दिखाया कि कैसे क्या इसके अंदर होता है और इसके पीने से क्या नुकसान है, सभी बताया भी। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं हाथ जोड़ करके जो प्रार्थना करना होता है वो कर रहा हूं कि इन सबसे जितना दूर रह सकते हैं आप रहिए। और बहुत तो ये प्रॉब्लम होती है कि ये छोड़ नहीं पाते, कोशिश करते छोड़ने का पर छोड़ नहीं पाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं एक ट्रिक बता देना कि आप कैसे छोड़ सकते हैं, तो लगातार आप 7 दिन तक ना पीजिए, लगातार आप पहले बार किया कीजिए कि 7 दिन तक ना पीजिए, फिर उसके बाद से आप ट्राई कीजिए कि लगातार 21 दिन तक, 7 फिर 14 फिर 21, अगर आपने लगातार 21 दिन तक इसे नहीं पिया छोड़ दिया तो आप यकीन मानिए हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं इसे। और एक बार इसे ट्राई करके जरूर देखिएगा और जितना हो सके दूर रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए आप सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।